मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। ग्रेटर टोरंटो एरिया में गैस की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का इम्कान, माहरीन का कहना है सप्लाई के मसाइल को इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। माहरीन का कहना है कि पंप्स पर कीमत इस मौसम खिजा में $2 पी लीटर तक जा सकती है। कैनेडियन हुकूमत का सस्ती माहौल दोस्त बिजली बनाने का मंसूबा, वजीर माहौलियात का कहना है कि हुकूमत ने 2035 तक बिजली के ग्रिड को नेट सिफर करने का हदफ मुकर्रर किया है। माहौल दोस्त बिजली से शहरियों को भी बिलों में बचत होगी। कनाडा का अमरीकी रियासत हवाई से अपने शहरियों को वापस लाने का मिशन, एयर कनाडा की जानिब से खसूसी परवाह से। एयर कनाडा का कहना है कि इसकी मावी और वैनकूवर के दरमियान रोजाना परवाजें शेड्यूल हैं। ईरान ने 5 अमरीकियों को जेल से रिहा करके घर में नजरबंद कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है कि ईरान को आयद पाबंदियों में किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। रिपब्लिकन्स का कहना है कि जो बाइडन ने अमरीकियों की रिहाई के बदले ईरान के $6 अरब फंड्स बहाल किए। अमरीका में हवाई के जंगलात में आतिशजदगी, हलाकतें 53 हो गईं। आग से सैकड़ों मकानात और इमारतें मुकम्मल जल गईं। बीजिंग में शदीद बारिशों से तबाही, 33 अफराद हलाक। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. ग्रेटर टोरंटो एरिया में गैस की कीमतें जुमे को साल की बुलंद तरीन कीमत पर पहुंच जाएंगी। माहरीन के मुताबिक नई कीमत इजाफी 3 सेंट बढ़कर 173.9 सेंट फी लीटर हो जाएगी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ग्रेटर टोरंटो एरिया में गैस की कीमतें जुमे को साल की बुलंद तरीन कीमत पर पहुंच जाएंगी। माहरीन के मुताबिक नई कीमत इजाफी 3 सेंट बढ़कर 173.9 सेंट फी लीटर हो जाएगी। 2023 के लिए गुज़िश्ता बुलंद तरीन कीमत $170.9 थी, जो जुलाई और अगस्त के शुरू में बढ़ गई थी। माहरीन का कहना है कि अफसोस की बात है कि इसके मजीद खराब होने की तवक्को है। कुछ माहरीन पेशन गोई कर रहे हैं कि पंप्स पर कीमत इस मौसम खिजा में $2 फी लीटर तक जा सकती है। $1.90 या $1.85 बहुत मुमकिन है। माहरीन ने सप्लाई के मसाइल को इजाफे का जिम्मेदार ठहराया है। माहरीन का कहना है कि हम देख रहे हैं कि सप्लाई मुसलसल कम होती जा रही है और ये हकीकत है कि ओपेक ने ये कहकर इसमें कोई छोटा सा हिस्सा नहीं डाला कि हम रोजाना 10 लाख बैरल कम करेंगे, जो सऊदी अरब ने वादा किया है। इसका मतलब है कि ये दुनिया को किसी भी वक्त मांग के मुकाबले में एक दिन में 1.5 मिलियन बैरल कम छोड़ रहा है। कमजोर कैनेडियन डॉलर भी ईंधन की कीमत में तकरीबन 28 सेंट्स फी लीटर का इजाफा कर रहा है। वफाकी हुकूमत के कार्बन टैक्स से हर लीटर पर 14 सेंट का इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता जून में गैस की कीमत $2.15 फी लीटर पर पहुंच गई, क्योंकि COVID-19 पाबंदियां खत्म होना शुरू हुई। माहरीन को यकीन नहीं है कि इस साल कीमतें उन सतहों तक पहुंच जाएंगी, लेकिन ये ड्राइवरों के लिए बहुत कम सुकून है। कनाडा के वजीर माहौलियात स्टीवन ग्रेबियो ने जवाब जारी किए, जो 2035 तक कनाडा के बिजली के ग्रिड को सस्ते तरीके से साफ करने के लिए बनाए गए हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
कनाडा के वजीर माहौलियात स्टीवन गैलिबो ने मुसविदा जवाबित जारी किए जो 2035 तक कनाडा के बिजली के ग्रिड को सस्ती तरीके से साफ करने के लिए बनाए गए हैं। इन जवाबित से तवानाई की कीमत में कदर इजाफा हो जाएगा, लेकिन विफाकी हुकाम का कहना है कि फॉसल फ्यूल दूर होने से होने वाली बचत से इसकी भरपाई होगी। हुकूमत ने 2035 तक बिजली के ग्रिड को नेट सिफर करने का हदफ मुकर्रर किया है और जाब्तों का मकसद रहनुमाई में मदद करना है। महकमा माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली का तखमीना है कि अगर जवाबित को अपनाया जाता है तो 2040 तक घरेलू तवानाई का औसत बिल $35 से $61 तक बढ़ जाएगा, लेकिन इस इजाफे का सिर्फ 2% जवाबित के नतीजे में आएगा। ग्लेबो ने टोरंटो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत टैक्स क्रेडिट्स, कम लागत की फाइनेंसिंग और दीगर फंड्स के जरिए जवाबित की निस्फ लागत को पूरा करने का इरादा रखती है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि इससे भी कम लागत सार्फीन तक पहुंच जाए। वजीर ने यह भी कहा कि वो तवक्को करते हैं कि इजाफे को पूरा किया जाएगा क्योंकि लोग अपने घरों को गर्म करने, खाना पकाने या बिजली की गाड़ियां बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल से दूर हो जाते हैं। हुकूमती अंदाजों से जाहिर होता है कि मजमुई तौर पर कैनेडियन 2050 तक तवानाई पर 12% कम खर्च करेंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि साफ बिजली की तरफ मुंतकिल होने से घरानों को उनके तवानाई के बिलों की बचत होती है जो यूयू इंग गैस और तेल की कीमतों के झटके से दूर रहते हैं। अल्बर्टा और सैस्कीचुआन की सूबाई हुकूमतों का कहना है कि वो 2035 का हदफ पूरा नहीं कर सकती और 2050 का हदफ मुकर्रर करने को तरजीह दें। तबाहकुन जंगलात की आग और समंदरी तूफान की वजह से हवाई में कनाडा के सयाहों से जजीरे को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। तबाहकुन जंगलात की आग और समंदरी तूफान की वजह से हवाई में कनाडा के सयाहों से जजीरे को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, जिसकी वजह से 50 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और अमरीकी बहरुल काहिल की रियासत से टकराने का सिलसिला जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयर कनाडा का कहना है कि मंगल की रात को माउवी से वैनकोवर जाने वाली परवाज को मनसूख कर दिया गया क्योंकि कहलोई हवाई अड्डे तक रसाई बंद कर दी गई थी। गुज़िश्ता रात हमने एक बड़े हवाई जहाज, एक 298 सीटों वाले ड्रीम लाइनर के साथ शाम की परवाज चलाई, जहां आमतौर पर हम 169 सीटों वाला बोइंग 737 उड़ाते हैं। ड्रीम लाइनर की फ्लाइट खाली उड़ गई, जिसे हम फेरी फ्लाइट कहते हैं, और आज सो वैनकोवर के लिए भरकर वापस आ रहा है। आगे बढ़ते हुए एयर कनाडा का कहना है कि इसकी माउवी और वैनकोवर के दरमियान रोजाना परवाजें शेड्यूल हैं, ताहम इसमें मजीद कहा गया है कि ये माउवी की सूरत के हाल को बहुत करीब से मॉनिटर करना जारी रखे हुए है। एयरलाइन ने वजाहत की कि एयर कनाडा ने माउवी जाने वाले मुसाफरों के लिए एक लचकदार खैर सगाली की पॉलिसी वजह की है। हवाई के हजारों बाशिंदों ने माउवी पर घरों से फरार होने की दौड़ लगा दी, जबकि आग पूरे जजीरे में फैल गई, जिससे सदियों पुराने कस्बे के कुछ हिस्से तबाह हो गए और हालिया बरसों में अमरीकी जंगलात की सबसे मोहलिक आग में कम अज कम 53 अफराद हलाक हो गए। अमरीका में ओपोजिशन पार्टी रिपब्लिकन्स ने कहा है कि तेहरान में कैद 5 अमरीकियों की रिहाई के बदले ईरान के $6 बिलियन के फंड गैर मुंजमद करना जो बाइडन इंतजामिया की बुजदली है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीका में ओपोजिशन पार्टी रिपब्लिकन्स ने कहा है कि तेहरान में कैद 5 अमरीकियों की रिहाई के बदले ईरान के $6 बिलियन के फंड गैर मुंजमद करना जो बाइडन इंतजामिया की बुजदली है। अमरीकी शहरियों को वतन वापस लाने के लिए बातचीत जारी है। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि 5 अमरीकियों की रिहाई के मुहिदे का ईरान पर आयद पाबंदियों से ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान को आयद पाबंदियों में किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। इससे कबल कहा गया था कि अमरीकियों को ईरान छोड़ने की इजाज़त ईरान के $6 अरब गैर मुंजमद होने से मशरूत है। वाजह रहे कि रिहाई के बाद नज़रबंद किए गए 5 में से 3 कैदियों के नाम सियामिक नमाजी, अम्माद शर्गी और मुराद तहबाज बताए गए हैं, जबकि बाकी 2 की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान में कैद 5 अमरीकियों की जेल से रिहाई हौसला अफजा है और अब उनकी अमरीका वापसी की उम्मीद की जा सकती है। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी कैदियों की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। इन अमरीकी शहरियों को बिला जवाज गिरफ्तार किया गया था। याद रहे कि ईरान ने आज 5 अमरीकियों को जेल से रिहा करके घर में नज़रबंद कर दिया और ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि 5ों की अमरीका वापसी फंड्स की बहाली से मशरूत है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में ये नहीं बताया गया कि अमरीकियों की रिहाई किस मुहिदे के तहत की गई है। ताहम ओपोजिशन जमात रिपब्लिकन्स ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसके लिए जो बाइडन ने ईरान को $6 बिलियन का तावान अदा किया है।
दूसरी जानब अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इस तासर को मुस्तरद करते हुए कहा कि ईरान को आयद पाबंदियों में किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। इन पांच अमरीकियों की रिहाई के माहदे का ईरान पर आयद पाबंदियों से ताल्लुक नहीं। याद रहे कि ईरान में रिहा किए गए कैदियों में से एक सियामिक नमाजी हैं, जिन्होंने जासूसी के इल्ज़ाम में 2015 में गिरफ्तार किया गया था और 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। दूसरे कैदी सरगई हैं, जबकि तीसरे कैदी की शनाख्त मुराद के नाम से हुई है। दोनों को 2018 में गिरफ्तार किया गया और 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जबकि मजीद दो कैदियों के हवाले से कोई मालूमात नहीं। अमरीकी सयाहों के मरकज़ हवाई शहर में तेज़ी से फैलने वाली जंगल की आग से कम अज़ कम 53 अफराद हलाक हो गए। इमदादी कारकुनान सबसे ज़्यादा मुतासर जजीरे माउई से मजीद लोगों को निकालने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मजीद जान लेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सयाहों के मरकज़ हवाई शहर में तेज़ी से फैलने वाली जंगल की आग से कम अज़ कम 53 अफराद हलाक हो गए। इमदादी कारकुनान सबसे ज़्यादा मुतासर जजीरे माउई से मजीद लोगों को निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। आग से सैकड़ों मकानात और इमारतें मुकम्मल जल गईं। तूफानी हवाओं की वजह से आग बुझाने में शदीद मुश्किलात के सबब तबाही ना रोकी जा सकी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जंगल की आग को एक बड़ी आफत करार देते हुए इमदादी सरगर्मियों के लिए वफाकी इमदाद को गैर मसदूद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माउई के मगरबी साहिल पर जंगल की आग भड़क उठी, जिसने समंदर के किनारे वाकिया शहर लायहाना को तेजी से लपेट में ले लिया। रिहायशियों का कहना था कि उन्हें मजीद मदद की जरूरत है और खदशा है कि शहर को ठीक होने में बरसों लगेंगे। वाज़ेह रहे कि आग के सबब काउंटी माउई में बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। आग लगने के बायस मुतादिद बिजली के खंभे भी गिर गए हैं। रियासत हवाई के गवर्नर का कहना है कि आग से होने वाले नुकसान का मुकम्मल अंदाजा लगाने में महीनों लग सकते हैं। दूसरी जानब चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब से हलाकतों की तादाद 33 हो गई। हुकाम के मुताबिक मुल्क के शुमाली इलाकों में अब भी खतरनाक बारिशों का खदशा मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल हुकूमत में सैलाबी सूरत हाल की वजह से बाज़ रिहायशी इमारतों के गिरने की भी इत्तला है। शदीद बारिशों के दिनों में बीजिंग के मगरबी पहाड़ियों की तरफ नवाही इलाकों को ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके नतीजे में 59,000 मकानात तबाह हो गए और 1.5 लाख से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में होने वाली शदीद बारिशों से हलाक होने वालों में 5 रेस्क्यू अहलकार भी शामिल हैं, जबकि बारिशों के बाद से 18 अफराद लापता भी हैं। हालिया हफ्तों में बीजिंग में होने वाली शदीद बारिशों से नशेबी इलाके शदीद मुतासर हुए, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह नुकसान पहुँचा, जबकि शहर के बेशतर इलाके पानी में डूबे हुए हैं। मेयर बीजिंग का कहना है कि बारिश और सैलाब की वजह से कई सड़कें तबाह हो गईं और 100 से ज्यादा फ्लाईओवर्स को नुकसान पहुंचा। चीन की वजारत इमरजेंसी मैनेजमेंट के मुताबिक गुज़िश्ता माह कुदरती आफात के बाईस 147 अमवात या लापता हुए थे, जिनमें 142 सैलाब या दीगर आफात की वजह से अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।